हेलो बंधु अपने से आज रिक्रुटर प्लस और मैं फारूक स्वागत जानसो आज भिडिओ आज भिडिओ आम एटी रिक्रुटमेंट लैसे भारत सरकार इंडियन एयरफोर्स रिक्रुटमेंट कर 2020 कारण 256 पोस्टर कारण अपना की क्राइटेरिया मेन्टेन करप्लिकेशन करोक आलोचना करम जो এতিয়ালৈকে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব কাৰণ আমি এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন এডভাৰ্টাইজমেণ্ট শিক্ষামূলক বাতৰি আপোনালোকৰ মাজত প্ৰভাইড কৰি থাকোঁ ইণ্ডিয়ান এয়াৰ ফৰ্চ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2020 এপ্লাই অনলাইন ফৰ 256 ভেকেঞ্চি 256 ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব বা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰা হৈছে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব এয়াৰ ফৰ্চ অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান এয়াৰ ফৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টত हे सब नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंडियन एयरफोर्स स्टार्टिंग डेट अर्थात जिदिना पर आपनी एप्लीकेशन करा आरंभ करिवो हेतल 15/6/2020 अर्थात 15 जून 2020 सनपरा स्टार्ट होबो एप्लीकेशन जॉब टाइप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब आरो जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी 256 अप्लाई मोड होबो ऑनलाइन आरो ऑफिशियल वेबसाइट जेतु असे एतु वेबसाइटत गय आपनी एप्लीकेशन तो करिवो परिवो एप्लीकेशनर हेक समय सीमा बा लास्ट डेट 14/07/2020 अर्थात 14/07/2020 एप्लीकेशन लास्ट समय सीमा दिया हुई इत एज लिमिट दिया हुई दुटा कैटेगरी कारण फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी अर्थात फ्लाइंग ब्रांचर कारण 24 इयर्स ओल्ड एज हम लगे 1 जुलाई 2021 आको ग्राउंड ड्यूटर कारण लगे माने 24/26 हले चलिबो एडुकेशन क्वालिफिकेशन लागिबो फ्लाइंग ब्रांचर कारणे कैंडिडेटे 50% मार्क पाब लागिबो मैथमेटिक्स आरो फिजिक्स हायर सेकेंडरी आरो ग्रेजुएशन हबो लागिबो जिकोनो माने यूनिवर्सिटीर पर रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीर पर जितो 60% मार्क थाकिबो लागिबो नाइबा बीई बा बीटेक 4 इयर्स कोर्सत 60% मार्क थाकिबो लागिबो ग्राउंड सेक्शन कारण 50% मार्क लगे हायर सेकेंडरी फिजिक्स और मैथमेटिक्स यार उपरी 4 इयर्स डिग्री ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एबिलाक जो थाके तेनहले एबिलाको लागिबो अपनी अप्लाई करिबो जाउते आपनक एटा एग्जामिनेशन फी लागिबो हेतु होल 250 जेतु नॉन रिफंडेबल जेतु रिफंड करा नहबो एतु फी आपनी पे करिबो लागिबो जेथिया ऑनलाइन जोगे आवेदन करिबो तेनहले पदकल ভিডিওটো যাতে দীঘলীয়া নহয় সেয়েহে আমি শর্টকাটত বস্তুখিনি আলোচনা করলো জাস্ট আপনাদের একটা ইনফরমেশন দিয়ার চেষ্টা করলো আপুনি ইয়াতকৈ সবিশেষ জানিবলে এইটো ওয়েবসাইটত গৈ আপুনি ডিটেইলসত কথাখিনি জানিব পাৰিব হেকত হস্ত থাকুক সবল থাকুক সদায় এডুকেটর প্লাসৰ লগত জড়িত হৈ থাকুক ধন্যবাদ জয় হিন্দ